अलैकुम फ्रेंड्स वेलकम टू परवी लाइफ स्टाइल आज मैं आपके साथ जमजम बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी वे में बनाना बताऊंगी. तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं ये मैंने मटन लिया है आधा किलो के करीब है ये इसको मैं इसके अंदर प्याज भी ऐड करना है हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे उसके बाद इसके अंदर थोड़ा नमक भी ऐड करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट भी ऐड करना है और आधा किलो गोश्त था तो मैंने एक आधा गिलास पानी ऐड किया है और अभी इसको उबलने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए हमारा मटन ये मैंने मटन का कीमा लिया है आधा किलो के करीब है ये आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे वन टेबल स्पून बाद इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे वन टेबल स्पून भुनी हुई धनिया पाउडर टू टेबल स्पून और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करना है रेड मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून इसके बाद दो चम्मच बेसन पाउडर बेसन भी ऐड करेंगे इसके बाद इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट भी ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई प्याज बारीक कटी हुई कोतमीर भी ऐड करना है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे साइड में इसके बाद हम इसका कबाब बनाएंगे ये मैंने आलू लिया है इस तरह से मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको इस तरह से मुझे तीन कलर में इसको बनाना है ये ग्रीन कलर है ये रेड फूड कलर है और येलो कलर इस तरह से इसके बाद इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे इस तरह इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मैंने ये मिक्स करके रख दिया है आलू को तीन कलर में इसके बाद मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है चावल के लिए इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे सा जीरा तेज़पत्ता और दालचीनी और बड़ी इलायची इसके बाद इसके अंदर वन टेबल स्पून नींबू का रस भी ऐड करना है चावल पानी बॉईल हो चुका है चावल ऐड कर देंगे नमक भी ऐड करना है जब तक से हमारे चावल बॉईल हो चुके हो रहे हैं चावल बॉईल हो चुका है अभी चेक कर लेते हैं इस तरह से हमको नाइन्टी परसेंट इसको कुक करना है चावल बॉईल हो चुका है इसको हम साइड में रख देंगे एक बर्तन में ऑयल लेना है इसके अंदर कबाब को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से कबाब को इस शेप में बारीक बारीक छोटे छोटे से बॉल बनाकर कबाब को इस तरह से कबाब को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाए। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्राई हो चुके हैं कबाब अभी इसमें आलू ऐड करना है तो इस तरह से मैंने सारे आलूओं को इसमें ऐड कर देना है स्लो फ्लेम पर पहले आलू को फ्राई कर लेंगे इसके बाद इसको हम फास्ट कर सकते हैं इसके बाद मैंने फ़ास्ट कर दिया था गैस का फ्लेम और इस तरह इसको फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेना है इसमें अंडे भी ऐड करते हैं इसको आधा कट कर लेंगे हम बाद में अंडे को इस तरह से आलू अंडे को भी फ्राई करने के बाद हम इसको साइड में निकाल कर रख देते हैं इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले हैं तेज पत्ता दालचीनी बड़ी इलायची और चार फूल और प्याज भी ऐड करेंगे इसके अंदर इस तरह प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है इसके बाद इसके अंदर चिकन भी ऐड करेंगे ये आधा किलो के करीब चिकन है इसको भी ऐड कर देना है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा चिकन का कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर मैंने पाउडर मसाले ऐड करना है रेड मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे टू टेबल स्पून हरी मिर्ची और ये कोतमीर का पेस्ट है इसको भी ऐड करना है इसके अंदर अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे मैंने तीन बड़े बड़े टमाटर लिए थे इसको बारीक कट कर लेना है इसमें दही भी ऐड करना है अब इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला है हाफ़ टेबल स्पून इसको भी ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार इन सबको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से भून लेना है इसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए बिरयानी का अभी हम वापस चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से ग्रेवी तैयार हो चुका है चिकन का अभी मटन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके बाद वापिस हम इसको ढक कर रख देंगे अभी इनको अच्छी हल्का सा इसको पका लेना है कुक कर लेंगे ताकि मसाले आपस में मिक्स हो जाए मटन और ये चिकन का ग्रेवी अभी इसके अंदर हम हाँ ये तैयार हो चुका है अभी हम इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे इस तरह से चावल के लेयर्स लगा लेंगे और कोतमीर भी इसके ऊपर ऐड कर देना है इसके बाद मैंने दो लेयर लगाए थे बिरयानी के इस तरह से वापस हम चिकन और मटन का ग्रेवी इसके ऊपर ऐड कर देंगे लेयर लगा देंगे फिर वापस चावल को ऐड कर देंगे ऊपर से इसको कोतमीर भी ऐड करना है पुदीना भी बारीक कटी हुई और घी भी ऐड कर देंगे इसके बाद कलर भी ऐड करना है फूड कलर आपकी मर्जी ये ऑप्शनल है अंडे इस तरह से लगा देंगे ऊपर और ये कबाब भी इसके ऊपर से लगा देंगे रख देंगे और ये आलू भी फ्राई करे हुए इसको भी ऊपर से ही लगा देना है रख देना है तो काफ़ी देखने में डिलीशियस लग रहा है ना फ्रेंड्स अभी हम इसको भाप लगने के लिए रख देंगे तो बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है देख सकते हो आप लोग काफ़ी कलरफुल जमसम बिरयानी तैयार हुआ है तभी तो हम इसको डिश आउट करते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है तो देख सकते हो मैंने काफ़ी इजी वे में बनाया है अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स फ़ैमिली में भी शेयर कीजिए और आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना Thanks for watching. Allah Hafiz.